Hello everyone, we will discuss about the universal Turing machine in this lecture. And we have already discussed in the Church Turing thesis, the anything that can be done on the digital computer can also be done by the Turing machine. Now, इसका मीनिंग है कि जो ट्यूरिंग मशीन है और जो डिजिटल कंप्यूटर है वो इक्विवेलेंट है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक टास्क है जिसमें कि ये कहा गया है कि ए पावर एन और बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो इसके लिए हम एक ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं, लेट्स से वो ट्यूरिंग मशीन टी एम वन है। लेट्स से मेरे पास एक और टास्क है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि ए मल्टीप्लाइड विद बी कर दो, सो वी कैन परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन। लेट्स से ट्यूरिंग मशीन टी एम टू है ये मशीन। सो अगर हम ए मल्टीप्लाइड विद बी करने के लिए ए और बी को प्रोवाइड करेंगे टी एम वन मशीन को, तो टी एम वन हमें एग्जैक्ट आउटपुट या जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ए पावर एन और बी पावर एन की कोई स्ट्रिंग अगर हम प्रोवाइड करेंगे ट्यूरिंग मशीन टू को, तो ये भी वो कंप्यूटेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका इनके स्कोप से ये बाहर है। जबकि हमने ये बताया है कि जो ट्यूरिंग मशीन है दैट इज इक्विवेलेंट टू द डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में तो आप किसी भी टाइप का कोई भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारी ट्यूरिंग मशीन भी ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिसमें कि कोई भी इनपुट अगर आप प्रोवाइड करें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन होनी चाहिए जिसमें किसी भी टाइप के इनपुट को प्रोवाइड करने से वो किसी भी टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए, जो डिजायर टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। सो इसके लिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। सो यहाँ पे भी हम मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का यूज करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये बॉक्स है और ये बॉक्स एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह से अगर बिहेव करता है, सो डिजिटल कंप्यूटर की तरह से बिहेव अगर कर रहा है तो ट्यूरिंग मशीन के लिए भी ये ऐसे ही बिहेव करेगा। हम एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक फाइनाइट कंट्रोलर है एंड देन हमारे पास तीन टेप्स हैं, वन टू एंड थ्री। सो लेट्स से ये जो पहला वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ट्यूरिंग मशीन के रिप्रेजेंटेशन को, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो इनपुट को डिनोट करता है जो हमारे पास इनपुट्स आएंगे, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो इंटरनल स्टेट को डिनोट करता है। सो ये जो फाइनाइट कंट्रोलर है उसको इन तीनों टेप्स का एक्सेस होगा। लेट्स से कि हम ऐसा कहते हैं कि क्यू जीरो स्टेट में हम करेंटली हैं और इसमें इनपुट ए लेने पे हमें उसको एक्स में कन्वर्ट करना है। सो वंस अगेन लेट्स से मैं एक क्यू जीरो स्टेट में हूँ और मुझे वन ए इनपुट मिलता है और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे उसको एक्स में कन्वर्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सो वी आर एट द क्यू जीरो स्टेट एंड इफ आई रिसीव द इनपुट ए, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज दैट आई मूव टू लेट्स से सम क्यू वन स्टेट एंड चेंजिंग द सिंबल ए टू एक्स एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द राइट। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है ट्यूरिंग मशीन का, और क्यू जीरो और ए क्या होंगे? ये जो इंटरनल स्टेट है लेट्स से ये डिनोट करता है क्यू जीरो को और ये डिनोट करता है क्यू वन को, ये डिनोट करता है क्यू टू को एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे इंटरनल स्टेट्स हो सकते हैं हमारे ट्यूरिंग मशीन में। जो इनपुट है लेट्स से हमने यहाँ पे इनपुट लिया है डबल ए एंड डबल बी इनपुट टेप पे है, तो कंट्रोलर करंटली हमारा ए पे है और इंटरनल स्टेट क्यू जीरो पे है। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्शन लेना है? हमें क्यू वन स्टेट में मूव करना है, सिंबल को एक्स में कन्वर्ट करना है और राइट में जाना है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्यू वन एक्स आर, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन नाम के टेप में होगा। तो अभी हमारे पास जो भी सिंबल्स गिवन है उन सभी सिंबल्स के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि ए बीज होंगे, क्यू जीरो क्यू वन होगा और रिप्रेजेंटेशन में भी क्यू वन एक्स आर, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन तो नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे जितने भी इनपुट्स हैं उन इनपुट्स को हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो हमारे स्टेट्स होंगे उन स्टेट का भी मैपिंग या उस स्टेट का जो एनकोडिंग है वो भी हमें बाइनरी फॉर्म में करना होगा, और जो हम लेफ्ट राइट मूवमेंट कर रहे हैं उसका भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बाइनरी फॉर्म में होगा। करेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन में बाइनरी फॉर्म में वैल्यूज को रख पाएंगे। सो एक थोड़ा छोटा सा चेंज मैं कर देता हूँ जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। लेट्स से हमने ए पावर एन और बी पावर एन की जगह यहाँ पे ये मान लिया कि ये वन वन और जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि वन पावर एन एंड जीरो पावर एन को हम चेक करने जा रहे हैं।
ऑटोमेटिकली ये इसकी जो वैल्यूज होंगी वो बाइनरी फॉर्म में होंगी इन दी इनपुट सिंबल्स। नाउ ये जो Q1, Q0, Q1, Q2 स्टेट्स हैं, लेट्स से हमने इनकी एनकोडिंग कर रखी है। लेट्स से Q0 डिनोट्स डिनोटेड बाई 1 एंड Q1 इज डिनोटेड बाई 1 1 एंड Q2 इज डिनोटेड बाई 1 1 1। इसी तरह से जो लेफ्ट है और राइट है इसको भी हमने डिनोट कर दिया। लेट्स से लेफ्ट इज डिनोटेड बाई 1 1 एंड द राइट इज डिनोटेड बाई 111 111। ओके, सो अब हमारे पास जो इनपुट्स हैं, जो जिसको अभी हमने माना था कि A1, A2, A3, ये इनपुट्स अगर हमारे पास हैं, तो मान लीजिए कि हमने इनकी भी एनकोडिंग कर दी है। सो लेट्स से इनकी एनकोडिंग हमने की है, A1 का मतलब है 1, A2 का मतलब है 111 और A3 का मतलब है 111। फाइन, तो हमने इस तरह से जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हमारे अवेलेबल हैं या जो भी हमारे नोटेशंस हैं उनको हमने बाइनरी फॉर्म में एनकोड कर दिया है। सो अब अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि Q0 A1 इज इक्वल टू Q1 एंड देन एक्स की जगह मान लीजिए कि वो A2 है और आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो Q1 इज रिप्रेजेंटेड बाई लेट्स से सिंबल 1 1, देन हम सेपरेट इसको करते हैं और इसके बाद A2 इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 1 एंड देन हम इसको सेपरेट करते हैं एंड राइट इज रिप्रेजेंटेड बाई 111। सो मेरे लिए ये वाला जो पार्ट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्शन है वो हमने यहाँ से डिसाइड किया और इसी को हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन नाम का जो टेप है उस पर स्टोर कर देंगे। सो लेट मी स्टोर दिस 1 1 0 1 1 0 1 1 0 एंड 111। तो ये तो पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि आप Q1 स्टेट में हैं और आपको जो इनपुट मिलता है वो A1 मिलता है एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट हम क्या डिसाइड करें कि यू हैव टू मूव टू द Q2 स्टेट एंड देन सिंबल हैज टू बी चेंज टू A3 एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? Q2 इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 1 फॉलोड बाई ए 0 एंड देन A3 इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 1 1 एंड फॉलोड बाई ए 0 एंड लेफ्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 1। सो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन वाला जो हमारा टेप है उसमें 1 0 लगाने के बाद, 1 0 का मतलब क्या है कि ये सेग्रीगेट कर रहा है प्रीवियस वाले एक्शन को इस वाले एक्शन के साथ। बाकी चीजें आप ऐसे लिख दीजिए, सो 1 1 0 देन 111 0 एंड देन 1 1। सो आपने दूसरे एक्शन को भी इसमें लिख दिया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इनफिनाइट टेप होगा तो इसमें आप कितने भी एक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से जो आपने ये मशीन बनाई है, ये जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है वो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की तरह से ट्रीट होगी और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की तरह से ट्रीट होने का ये मतलब है कि कोई भी अगर आप इसको इनपुट देंगे तो उसको 3 टेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किसी भी टाइप के एक्शन को करने के लिए ट्यूरिंग मशीन के द्वारा आप इसको 3 टेप्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। आपको ए पावर एन बी पावर एन करना है तो भी 3 टेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ए मल्टीप्लाइड टू बी करना है तो भी आप 3 टेप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको तीसरे कोई किसी टाइप का ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कंपेरिजन करना है ए और बी का, तो वो भी आप 3 टेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ योर ट्यूरिंग मशीन विल बिहेव लाइक द डिजिटल कंप्यूटर और इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।